हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक केस स्टडी लेके आया हूँ मैं आपके पास, जिसमें मेरे पास एक रेडमी नोट 5 है जो सिर्फ लोगों पे अटक रहा है। तो वो आपको मैं दिखाऊंगा इजी झटक पे उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इजी झटक टूल को हम पहले ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर मैं आपको EMC राइटिंग भी दिखाऊँगा और EMC लगा के पूरा फ़ोन ऑन करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर और देखिए आगे हम क्या क्या करते हैं और कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये EMC जब मेरे पास आया तो मुझे लग रहा था कि इसमें बैड हेल्थ का इश्यू है, जिसकी वजह से ये रेगुलर प्रॉब्लम है इसका। तो पहले हम EMC में जाते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और चेक करते हैं EMC में सब पार्टीशन वगैरह शो करता है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारी EMC कम्प्लीटली शो कर रही है, पार्टीशन भी उसके हम देख लेते हैं कि कैसे है क्या नहीं, बाकी सब उसका इन्फॉर्मेशन तो दिखा रहा है। पार्टीशन भी उसके सारे शो हो रहे हैं, यानी कि EMC कंप्लीट लग रही है। लेकिन उसके लिए ये क्लासिक सूट नहीं चलेगा, अगर हमें इसको रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें दूसरा एक टूल का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इसी झटक में ही आपके अंदर साथ में आएगा। तो इसको हम बंद कर देते हैं और हम चेक करते हैं दूसरा टूल से EMC को, चेक करते हैं उसकी हेल्थ रिपोर्ट, चेक करते हैं और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए हम इसी झटक प्लस को हम ओपन करेंगे और उसके अंदर हमें क्या क्या करना है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो देखते रहिए आगे आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, दोस्तों इस चैनल में मैं आपको सॉफ्टवेयर के भी सारे वीडियो डाल के दूंगा, जिसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा सॉफ्टवेयर मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे हमने हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, हम पहले EMC को चेक कर लेते हैं। चेक EMC पे जाके हम क्लिक करेंगे तो ये हमें EMC चेक करके दिखाएगा। तो यहाँ पे EMC हमारी चेक होना शुरू हो गई, तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली सब पार्टीशन दिखा दिया है और फर्मवेयर वर्जन अभी भी वो गेट कर रहा है। दोस्तों इजी झटक के अंदर आपको माउंट ब्लूटूथ का एरर दिखाएगा, लेकिन उसका आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, ये एरर दिखाता ही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके बिना भी फ़ोन ऑन हमारा हो जाता है। तो इसको इग्नोर करने की ज़रूरत है, उसको ध्यान नहीं लेना है। अब हम पहले देख लेते हैं उसका, देखिए EMC का CID हमें दिखा रहा है, EMC का CSDB हमें दिख रहा है, ये दोनों चीज़ हम देख सकते हैं डिवाइस इंफॉर्मेशन के अंदर, ये हमें एक खास देखना होता है। और दूसरी एक दो चीज़ें और देखनी होती है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो उसका साइज़ कितना है हमें वो देखना होता है और दूसरी उसके जो हेल्थ रिपोर्ट देखनी होती है। तो पहले हम मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पे देखिए 59640 MB, यानी कि तकरीबन 64 GB का ये EMMC है। और नीचे उसका हेल्थ रिपोर्ट देख लीजिए, यहाँ पे वेरी बैड दिखा रहा है और अर्जेंट दिखा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल दिखना चाहिए जो कि अर्जेंट दिख रहा है, और बाकी सब पार्टीशन सब ओके है, मॉडल वॉडल सब शो कर रहा है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ बैड हेल्थ का इश्यू है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे पहले हम रोम का बैकअप ले लेते हैं, मेन यूज़र डेटा जहाँ पे हमको लेना है 2 GB, क्योंकि 64 GB है तो कम से कम हमें 2 GB यहाँ पे लेना पड़ेगा, अगर 128 होता तो हमें 4 GB लेना पड़ता। अब हम यहाँ पे रीड MMC करेंगे और यहाँ से इसका हम नेम कॉपी कर लेते हैं पहले, हमें जो सेव करना है वो क्या नाम से करना है। तो हमारा जो मॉडल है रेडमी नोट 5, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि वो हमें पेस्ट देने में काम लगेगा। अब रीड EMMC कर लेते हैं हम, और अब जब लोकेशन पूछेगा तो हम लोकेशन पे ये फोल्डर बना के उसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी नोट 5 प्रो का डंप है मेरे पास और दूसरा इसी के अंदर नया फोल्डर बना के हम लोग सेव कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बना दिया, उसके अंदर हम रीनेम कर देते हैं उसको, आगे की सब चीज़ें हटा दो, सिर्फ नोट 5 दिखे तो भी काफ़ी है। और ये सब हो गया रेडी, अब इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये हमारा रोम 1 जो है वो 2 GB का फाइल है जो हम इसको सेव कर रहे हैं। तो ये पार्टीशन रीडिंग स्टार्ट हो गया, अब इसको मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड में भगा दूंगा ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों मैंने इसमें रोम 2 और रोम 3 का आपको नहीं दिखाया है,
उसमें 4 MB आपको बाय डिफॉल्ट लेना होता है, जो जो मेन चीज़ है वो रोम वन है। तो मैंने 2 और 3 दोनों का ले लिया है। अब इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चेक EMMC मैंने दे दिया है, यहाँ पे सक्सेसफुली पार्टीशन सब शो कर दिया है, मैंने देख लिया है सब ओके है। तो ये हमारा कम्प्लीटली हो गया है। अब हम रीड कर लेंगे इसकी फुल डंप को। उसके लिए हमें पहले पार्टीशन देख लेने हैं। तो यहाँ पे हमने पार्टीशन को फाइंड कर लिया पहले। यहाँ पे हमारे सारे पार्टीशन शो हो गए हैं, सारों को टिक कर लेना है। सिर्फ एक को आपको निकाल देना है, यूज़र डेटा वाले को। लो, इसमें आप कुछ फाइलें सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़र डेटा के अलावा पूरी फाइलें ले लेता हूँ, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए और सेफ रहेगा हमारा काम। तो यूज़र डेटा छोड़ के आप सारी फाइलों को ले सकते हो। आप कुछ कुछ फाइलें लेके भी, मॉडेम फाइल है, प्रीसेस फाइल है, ऐसी फाइलें लेके भी आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ यूज़र डेटा छोड़ के बाकी ले लो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसलिए हम लोग तो यही करते हैं, और इसको फिर हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ से रीड दे देता हूँ मैं, उसको एक नया फोल्डर बना के मैं उसमें डाल देता हूँ, ताकि डंप लिख दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रेडमी नोट 5 के अंदर ही उसको सेव कर देते हैं। तो ये रेडमी नोट 5 के डंप के अंदर हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ये ऑल डन आ गया दोस्तों, यानी कि हमारी पूरी फाइल है जो सेव हो गई है। अब हमें EMMC जनरल में जाना है, और यहाँ पे हमें एडवांस के अंदर जाके पहले उसका स्मार्ट रिपोर्ट हम चेक करेंगे। स्मार्ट रिपोर्ट क्या दिखा रहा है? स्मार्ट रिपोर्ट हमने देखा था कि वही है, अर्जेंट ही दिखा रहा है अभी तक। तो हमें इसको करना पड़ेगा यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करेंगे, जिसकी वजह से इसका ये जो एरर है वो आपका निकल जाएगा। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करने के बाद EMMC को एक बार सॉकेट में से बाहर निकाल के फिर दूसरी बार लगाएंगे आप। यहाँ पे यस देना है, और फिर आप उसको देखेंगे तो फिर उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, तो आपका जो है एरर वो निकल जाएगा। तो हम लोग पहले हार्डवेयर पार्टीशन राइट करा लेते हैं, और फाइनल राइट दे दिया चारों टिक करके। ये हमने कर दिया है, यहाँ पे यस देना है। ये ओके हो गया है। अब हम चेक EMMC UFS करेंगे एक बार फिर से। अभी एडवांस में जाना है हमें उसके बाद। फिर वर्जन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने उसको फॉर्मेट कर दिया। अभी हम जाके उसका स्मार्ट रिपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल हो गया है, यानी कि हमारा जो EMMC था उसका बैड हेल्थ का जो इश्यू था वो सॉल्व हो गया है। अभी हम इसको क्वालकॉम में कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वालकॉम CPU है, तो क्वालकॉम 2 के अंदर हम इसको कॉन्फ़िगर प्रीसेट करेंगे। तो ये हमारा पार्टीशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हमें जाके इसको स्मार्ट रिपोर्ट फिर से एक बार चेक करना है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल आ गया है, यानी इसकी सब ओके है। अब हमें फाइल चढ़ा देना है। पहले गेट फर्मवेयर इन्फो निकाल के एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। हाँ ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे राइट ऑल रोम होम करा देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम रोम वन सिलेक्ट कर लेंगे, तो बाकी की फाइलें अपने आप से आ जाएगी। हमने जहाँ पे सेव किया था उसको रेडमी नोट 5, तो उस फोल्डर में रोम वन हमें लेना है। ये रोम वन हमने सिलेक्ट कर लिया, उसको ओपन दे दिया, बाकी की फाइल अपने आप आ जाएगी। फिर राइट ऑल रोम हमें कर देना है।
यहाँ पे हम कर देंगे राइट ऑल रोम्स। ये हमारा राइटिंग स्टार्ट हो गया। ये ऑल डन हो गया। अब हम इसमें जो हमने डंप रीड की थी वो हम चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम सीपीयू सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि क्वालकॉम है हमारा, सैमसंग, मीडियाटेक, एलजी कोई भी हो आप वो ले सकते हो। यहाँ पे क्वालकॉम है हमारा तो हम क्वालकॉम लेंगे और क्वालकॉम को सिलेक्ट करके हम एक्सएमएल फाइल जो हमने रीड की थी डंप के अंदर वो हमें चढ़ा देनी है यहाँ पे। तो ये हमने रीड किया था डंप, जो उसके अंदर से हमने रो प्रोग्राम जीरो को ले लिया। इसको ओपन कर देते हैं हम और राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ओपन और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी फाइल आई है। तो यहाँ पे सब फाइल आई है, यूज़र डेटा फाइल सिर्फ हमारे पास नहीं है क्योंकि वो हमने नहीं लिया था, तो उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम यहाँ से राइट करा देंगे। यहाँ पे यस देना है हमें। ये हमारा यूजर डेटा फॉर्मेटिंग हो रहा है अभी। सब ओके दिखा दिया है। अब हम यहाँ से मेन जो हमारी फ्लैश फाइल है वो हम चढ़ा देंगे इसके ऊपर और फिर हम दे देंगे इसको राइट। लेकिन इसको राइट देने से पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको दो जगह से टिक हटानी है, एक रिपार्टीशन पे से और एक इरेज बिफोर राइटिंग पे। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना कि दो चीज़ें हटाने के बाद ही आप राइटिंग देना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, फिर आप यहाँ पे राइट दे दो तो ये आपका राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आ गया हमारा, ऑल डन हो गया है। तो ये कम्प्लीटली डन हो गया है। अभी हमें सिर्फ एक चीज़ को देखना है, तो हम पहले फर्मवेयर वर्जन देख लेते हैं उसका। ये हम सी चेक कर लेते हैं हम, इसके अंदर हमें पार्टीशन और फर्मवेयर वर्जन दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। तो ये हमने जो चढ़ा दी है फाइल ये दिखा दी हमें, रेडमी नोट 5 हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। अभी इस फ़ोन में हमने क्योंकि नई फाइल चढ़ाई है तो इसमें FRP डेफिनेटली होगी, तो वो हमें बाद में FRP निकालनी पड़ेगी। इससे होता है कि पहले ही हम इसकी FRP को रिमूव कर दे तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी, सीधा फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा। वरना क्या है, आपको उसको दोबारा से FRP उसका रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक FRP रिमूव का ऑप्शन आता है EMMC के लिए, तो हम सीधा EMMC में से FRP रिमूव कर सकते हैं। तो वो हम दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे करना है। यहाँ पे रिमूव FRP पे जाना है हमें। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, EMMC UFS है और क्यू लोडर भी है। यानी कि अगर आप केबल से कर रहे हो तो आपको क्यू लोडर 9008 लेना है, वरना आप डायरेक्ट EMMC UFS सिलेक्ट करके आप FRP रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से ये FRP इसकी रिमूव हो जाएगी। हो गया ऑल डन। तो यानी कि हमारी FRP भी रिमूव हो गई। अब EIC को निकाल के हमें बोर्ड में लगाना है। तो ये बोर्ड पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हम IC को प्लेस करेंगे और इसको लगा के फ़ोन ऑन करके देखेंगे कि क्या होता है। ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया है दोस्तों। और इसी तरह के वीडियो आपको मैं आगे देता रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नए नए वीडियो, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड बाय।